हेलो, चलिए आज हम बनाते हैं हरियाली मटर पुलाव। और ये रेसिपी अगर आप एक बार बनाकर खाएंगे तो यकीन मानिए आप बार बार इसको बनाकर खाने वाले हैं, और जब भी खाएंगे आप मुझे बिल्कुल याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। 2 कप बुलेट राइस हमने ले लिया, और पहले हम चावल बना लेंगे। ठीक है, तो पहले कोई भी चावल आप ले लीजिए, छोटे वाले, बुलेट राइस है, कोलम राइस है, सोना मसूरी है, सांबा राइस है, बहुत सारे चावल होते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि हर चावल में अलग अलग मेजरमेंट का पानी होता है, लेकिन जितना चावल उतना पानी तो होना ही होना है। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कितना डालना है वो आपको देखना है। तो एक्स्ट्रा 2 कप चावल, 2 कप पानी मैंने डाला, और एक्स्ट्रा मैंने इसमें 1/2 कप पानी ज़्यादा डाला, इसलिए क्योंकि बुलेट राइस में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और हमें गीले नहीं करने हैं चावल यहाँ पे, तो हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, तो मीडियम फ्लेम पे मैंने चावल को चढ़ा दिया है, एक सीटी में वो चावल बन जाता है। इधर मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल फ्रेश कोकोनट यूज़ करूँगी, तो मैंने इसका कोकोनट तोड़ के उसका पानी निकाल लिया है। पानी भी हम यूज़ करेंगे, उसको साइड में रख देंगे। अगर आपका मन नहीं है कोकोनट को ग्रेट करने का, अभी कोकोनट इतनी मेहनत कौन करेगा, अगर ऐसा नहीं है तो आप ग्रेटेड कोकोनट अगर आप मंगा सकते हैं तो मंगा लीजिए अगर ऐसा है तो, और नहीं तो फिर आप कोकोनट ड्राई पाउडर जो आता है वो यूज़ कर लीजिए। थोड़ा सा फ्लेवर इधर उधर होगा बट टेस्ट अच्छा ही आएगा। ठीक है, जितने बड़े वाले टुकड़े हैं उन सबको ग्रेट कर लीजिए, उंगली मत काटिए बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से ग्रेट कीजिए। और जो छोटे छोटे चंक्स बचते हैं कोकोनट के उसका टेंशन मत लीजिए, क्योंकि उसकी हम चटनी बना देंगे। ठीक है, तो 1 कप ग्रेटेड कोकोनट ले लीजिए। और अब इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंडर जार में डालकर पीसेंगे। जो चटनी वाली जो हमारी होती है ये पूरा भर जाता है, बट नो टेंशन, वो पीस जाता है। ठीक है, अब 5 ग्रीन चिली यहाँ लिया है मैंने, बहुत ही तीखा वाला है, ये तीखी वाली मिर्च है। और 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, और धनिया के पत्ते, देखिए मैं आपको बता देती हूँ कितना लेना है, 1 कप के हिसाब से, मतलब आराम से जो 1 कप में फिट हो जाए जितना धनिया उतना लेना है। बहुत ही उसको दबा दबा कर हमें नहीं रखना है, हाँ बस 1 कप के हिसाब से ले लेना है, या एक हैंडफुल ले लीजिए, एक हाथ में जितना आता है। और उतना ही मिंट ले लेंगे, पुदीना, दोनों बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। और यहाँ 4 हम ले रहे हैं लौंग, एक छोटी सी इलायची हरी वाली, और 2-3 छोटे छोटे टुकड़े वो दालचीनी के, मतलब आधा इंच से 1 इंच के से ज़्यादा नहीं। और ये जो कोकोनट का पानी निकाला था मैंने, इसको डालकर ही हम इसको पीस लेंगे। कोकोनट के पानी में नहीं पीसना है तो नॉर्मल पानी में पीस लीजिए, जैसे भी पीसना हो। तो ये इस तरह से हमें पीस लेना है, बहुत गीला नहीं करना है इसको, ऐसा थिक वाला होना चाहिए। चलिए तब तक 2 प्याज की चॉपिंग कर लेते हैं। ये मीडियम अनियंस है, अगर बहुत बड़ा अनियन है तो 1 ही लीजिए, और छोटे छोटे हों, बहुत छोटे छोटे हों तो 3 ले लीजिए। ठीक है, और 1 कप मैं यहाँ फ्रोज़न मटर ले रही हूँ, वॉश कर लीजिए और साइड में रख दीजिए। बहुत लोग फ्रोज़न मटर को बिल्कुल डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि डायरेक्ट यूज़ करना चाहिए, तो मैं तो वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि किस तरह से उसकी पैकिंग हुई है आपको पता नहीं है, इसलिए वॉश कर लिया कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें घी लिया है। ये दोनों मिलाकर हम बनाएंगे, इससे क्या होगा कि ना तो बहुत ही ऑयल का आपको फ्लेवर आएगा और ना तो बहुत ही घी का फ्लेवर आएगा, दोनों मिलके बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगे। ठीक है, तो ये 1 तेज़ पत्ता लिया है मैंने, एक ये फूल चक्री बोलते हैं इसे, तो वो ले लिया है। और थोड़ी सी दालचीनी, दालचीनी थोड़ा बड़ा टुकड़ा ले लीजिए, 2 इंच का टुकड़ा ले लीजिए। और प्याज हम ऐड करेंगे इसमें, जो हमने चॉप करके रखा था, इसको थोड़ी देर, कम से कम 5 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसान है ये रेसिपी, आपका खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है तो भी आप बना लेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून सौंफ। ठीक है, तो अब इस वक्त हम उसको डालकर फ्राई करेंगे, जब हमारा प्याज
कम से कम 1-2 मिनट हमने फ्राई कर लिया, उसके बाद इसको डालिए और प्याज के ऊपर ही डालिए और थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। इसको हमको बिल्कुल ही गरम तेल में डालकर क्रैकल नहीं करना था, बस वैसे हमने कर लिया। इसका फ्लेवर ऐसे बहुत अच्छा आएगा। देखिए प्याज अब भुन गया है, थोड़ा थोड़ा लाइट ब्राउन होने लगा है, तो ऐसे समय में हम मटर डाल देंगे। अगर आप बिल्कुल फ्रेश मटर यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन फिर मटर को आप थोड़ा बॉईल कर लीजिए नमक डालकर, क्योंकि ये तो फ्रोज़न मटर है तो ये तो बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। ये तेज़ पत्ता बहुत ही परेशान करता है फ्राई करने में, उसको साइड निकाल दिए। वैसे भी ऑयल में उसका फ्लेवर आ ही चुका है, बाद में उसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा फ्राई कर लेते हैं मटर को अच्छी तरह से। 2-3 मिनट 4 मिनट तक के लिए फ्राई कर लीजिए, मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कीजिए। अभी इन सारी चीज़ों में मैंने कोई भी मसाला कुछ भी नहीं डाला है, नमक भी नहीं डाला है। अब हम सबसे पहले जो हमने मसाला पीस के रखा था उसको डालेंगे। सारा मसाला ले लीजिए, और थोड़ा बचता है तो उसका टेंशन मत लीजिए। वो जो जार को हम ऐसे भी इसमें चटनी बना लेंगे, तो जार को साइड में रख दीजिए और उसमें थोड़ी देर में हम चटनी बनाएंगे। तो चलिए पहले इसको 3 मिनट के लिए फ्राई करते हैं। और अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, मतलब 2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। और 2 टीस्पून नमक एक्चुअली काफ़ी था 2 कप चावल और इतने मसाले के लिए, नमक की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें एक्स्ट्रा, क्योंकि साथ में चटनी भी होगा। और इसको तब तक देखिए 2-3 मिनट में ये क्या हो गया, मीडियम फ्लेम पे बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई होने लगा। जब ड्राई होने लगा तो हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। और देखिए चावल बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अब ये सारे चावल को हम अच्छी तरह से स्पून की मदद से बिल्कुल ब्रेक कर लेंगे, एक एक दाना अलग कर लेंगे चावल का, ऐसे उसमें लंप्स नहीं होने चाहिए चावल के। ठीक है, उसको अच्छी तरह से अब इसमें हम मसाला ऐड कर लेते हैं। देखिए कितना इजी है, चावल बना लिया आपने, इधर मसाला रेडी कर लिया। एक बर्नर पे आप चावल बना लीजिए, एक बर्नर पे मसाला रेडी कर लीजिए और फटाफट एक बड़ा सा बोल लीजिए, उसे मिक्स कर लीजिए। और तो और अगर आपके पास चावल बचे हुए हैं, बचे हैं, ऐसा है कि चावल बच गए हैं, रात के चावल हैं, कल के चावल हैं, आप उसमें भी इसको बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। बस फटाफट मसाला रेडी किया और इसको बना लिया। देखिए मैंने ये 2 कप चावल में वो सारा मसाला डाला है, और दोनों चावल, सारा चावल मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, सारा चावल यूज़ कर लिया है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें थोड़ा मसाला ज़्यादा चाहिए, थोड़ा और फ्लेवर चाहिए, तो आप चावल थोड़ा कम डालिए। ठीक है, थोड़ा कम चावल ले लीजिए, थोड़ा सा प्लेन चावल रहने दीजिए एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए उसी जार में देखिए हम चटनी बना रहे हैं। वैसे उसी जार में बनाना कंपलसरी नहीं है, बट ऑलरेडी उसमें धनिया, पुदीना और कोकोनट का फ्लेवर है, तो वो सारा मिक्स होकर एक चटनी में अच्छे से आ जाएगा, इसलिए वही जार यूज़ कर रही हूँ मैं। तो इसमें थोड़े मूंगफली डाल लिए भुनी हुई, और थोड़ा कोकोनट डाल लिया जो चंक्स बचे थे सारा चॉप करके, और फिर मिर्च डाल लीजिए, लहसुन डाल लीजिए। मिर्च मैंने नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत तीखा है। ठीक है, तो चटनी बना लीजिए, किसी भी तरह की चटनी आप बना सकते हैं वैसे तो। अब देखिए इसको अच्छी तरह से सजा लीजिए, थोड़े काजू डाल लीजिए, थोड़ी मूंगफली भुनी हुई डाल लीजिए, थोड़ी धनिया की पत्ती डाल लीजिए, और चटनी बना के हमने उसका तड़का डाल दिया यहाँ पे करी पत्ता और राई के साथ। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये चटनी के साथ, बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन आप इसको पनीर की सब्ज़ी के साथ या किसी भी तरह के वेज या नॉन वेज ग्रेवी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा पुलाव है ये, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है, फ्लेवर है, और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है ये। इसको थोड़ा क्यूकम्बर के साथ हमने सजा लिया है बहुत ही अच्छी तरह से, इसकी प्लेटिंग कर ली है। प्लेटिंग ही तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि खाना तो टेस्टी होता है लेकिन साथ साथ प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी ज़्यादा अच्छा लगता है। स्पेशली जब हम बाहर जाते हैं खाने बड़े बड़े होटल्स में, तो हम ज़रूर देखते हैं कि कैसी प्लेटिंग हुई है। तो चलिए इस हम भी अच्छी प्लेटिंग कर लेते हैं, और बिल्कुल देखिए लग रहा है ना किसी 5-स्टार होटल का कोई बहुत ही अच्छा सा डिश है। बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी है, यम्मी है, फूड बहुत ही अच्छा है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर खाइए।
और मुझे ज़रूर बताइए कि कैसा बना, आपको कैसा लगा। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।